हे गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी 6 के बारे में। तो इस फोन में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिलेगा, इसका प्राइस कितना हो सकता है और इंडिया में ये फोन कब लॉन्च करेगा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले रियलमी 6 के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग डिस्प्ले इस बार शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लीक इमेज देखने को मिलता है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ मिडिल में आपको एक फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और वो भी पंच होल डिजाइन के साथ। तो ये डिजाइन आपको सेम देखने को मिल जाएगा जैसे आपको सैमसंग के इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले में मिलता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपको एक मिडिल में पंच होल देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इस फोन के डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि इस बार आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है इस फोन में। जी हाँ, इस बार शायद आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको दो प्रोसेसर होने का बहुत ज्यादा चांस है। एक है स्नैपड्रैगन 710 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर या फिर स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। इन दोनों प्रोसेसर में से कोई एक प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि Realme 5 में, मतलब इसका जो पहला वेरिएंट था, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा था। सो इसलिए हमें लगता है कि इस बार शायद उससे बेटर प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है। और इस फोन के रैम या फिर स्टोरेज की बात करें तो यहां पर जैसे आपको नॉर्मली हर एक फोन में मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट या तो शायद आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ या फिर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल सकता है। तो ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये किस रैम और स्टोरेज में लॉन्च करता है। और इस फोन के कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें Realme 5 की तो इसका जो पहला वेरिएंट था इसमें आपको 12 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार हमें ऐसा लगता है कि Realme 6 में प्राइमरी सेंसर 48 MP का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 48 MP का प्राइमरी सेंसर आपको Realme 6 में देखने को मिल सकता है। और बाकी जितने भी कैमरा स्पेक्स है आपको पता होगा सेम है, 8 MP का और या फिर 2 MP का डेप्थ सेंसर या फिर 2 MP का मैक्रो लेंस, ये सभी चीजें जैसे आपको नॉर्मली हर एक फोन्स में मिलता है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात आता है इसका फ्रंट कैमरे की तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और वो भी इन्फिनिटी ओ डिजाइन के साथ। और इस फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर इस बार आपको या तो 5000mAh का बैटरी या फिर 6000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद, तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इसमें आपको कितना अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा इन कंपेयर टू अदर जितने भी कंपनीज हैं उनके मुकाबले, क्योंकि आपको पता होगा कि Realme 6 जो है ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा Redmi के साथ। जी हाँ, Redmi के साथ ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा। तो जहां तक हमें लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा बेटर स्पेक्स देखने को मिल सकता है या फिर थोड़ा सा कम प्राइस में ये फोन लॉन्च कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ लॉन्च की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फोन है इंडिया में आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये फोन मार्च में लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं ये कब लॉन्च होगा, मैं आपको जरूर आगे चल के अपडेट कर दूंगा। और इसके प्राइसिंग की बात करें कि ये फोन, मतलब Realme 6, ये किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च कर सकता है, तो इसका जो बेस वेरिएंट है अगर इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है तो शायद ये फोन आपको 10,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर इसका जो बेस वेरिएंट है ये स्टार्ट होता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ तो शायद इसका प्राइस 10,000 से 11,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये थे इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये फोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च करना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।